केतल काकी, जैसा आप कह रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम और केसर केवल चुप। अपने नाम के साथ केसर का नाम लेने की कोशिश भी मत करना वरना केतल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ छोड़ने की? हाथ उठाएगी तो हाथ तोड़ दूंगी। शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? मेरा बेटा लड़कियों के पीछे नहीं डोलता, लड़कियां इसके पीछे लट्टू होती हैं, मधुमक्खी की तरह बहन बनाती है सब इसके पीछे। आई बात समझ में? बात करती है, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाती है। पूरे शहर में मेरे बेटे से काबिल कोई नहीं है, समझी कि समझाओ अच्छे से तुझे। अभी अम्मा रुक जाइए, आपको हमारी कसम है, रुक जाइए। हितल काकी, आप बड़ी हैं हमसे, हमें मारने का पूरा हक है आपको, लेकिन केवल तब जब हमारी कोई गलती हो। जो आपने देखा वो आपकी गलत फहमी थी। हमारे और केसर के बीच में कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। कुछ तो चल रहा था ना तुम दोनों के बीच। अब वो गलत है या सही, इसका फैसला करेगा केसर का होने वाला पति सूरज। सूरज बेटा, मैं जानती हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन निर्णय तो लेना होगा ना। कबीर और केसर ये दोनों क्या हुआ था? केसर दर्शन को लेकर ऊपर गई थी, हमें केसर से बात करनी थी तो हम उसके पीछे चले गए, और जैसे ही हमने केसर को रोका उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने वाली थी। उसे गिरने से बचाने के लिए हमने उसका हाथ पकड़ लिया, और तभी पीतल काकी, जीनल काकी और जयती काकी वहां पर आ गई। उन्होंने हम दोनों को देखा और उन्हें गलतफहमी हो गई कि हम दोनों के बीच में कुछ। केसर से क्या बात करनी थी तुम्हें? हम उसे बताना चाहते थे कि केसर की जान खतरे में। किससे खतरा है इसे? अपने आप से। वो क्या है ना कि केसर खुद से ज्यादा ध्यान दूसरों का रखती, इस ख्याल में वो भूल गई कि पूजा में आज घर में इतने सारे दीपक जल रहे हैं, और ऊपर से उसने रेशम का दुपट्टा भी पहना। दो तीन बार तो उसका दुपट्टा जलते जलते रह गया। बस हम यही बात बताने गए थे ऊपर उसे, और जहाँ वो गिरने वाली थी ऊपर वहां भी एक दीपक रखा था, और उसकी लौ में जलने से बचाने के लिए हमने केसर का हाथ पकड़ा। हाँ, और वो दीपक अभी भी ऊपर ही रखा है, तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो, वो हम दोनों के सच की गवाही दे देगा। केसर,